रिश्वत ली होगी जरूर, मैंने कैसे कैंसिल कर दिया, को भी हटाया जाए कि ये जो जम्मू से जेबीटी लगे हुए हैं इनको हटाया जाए। भर्ती मैं तो यही कहूंगी कि ये सारी भर्ती ही गलत हुई है, गलत तरीके से हुई है। मुख्यमंत्री जी को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो 2017 में जो जेबीटी की भर्ती हुई थी, जिनकी एडवर्टाइज डेट थी 8 दिसंबर 2012, ये कट ऑफ डेट थी, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जम्मू से जेबीटी किए हुए थे और वो जो है उस कट ऑफ डेट के बाद के थे, वो उनका रिजल्ट जो है कट ऑफ डेट के बाद आया था। तो ऐसे जो जम्मू से जेबीटी टीचर थे उनको इस भर्ती में अपॉइंट किया हुआ है, इस भर्ती में उनको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। और ये देखिए कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, 3 साल पहले नवंबर 2019 में ये मैसेज निकाला था एसएससी बोर्ड ने कि ये जो J&K से जेबीटी किए हुए हैं ये हटेंगे, लेकिन इनको 3 साल हो गए, आज तक ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि ये सारा काम जो ये भर्ती में ये गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि जम्मू से जेबीटी पास मैं भी थी और 2011 में HTET मैंने भी किया था, बट मेरा तो उन्होंने क्या किया, मेरा उन्होंने रिजेक्शन लेटर भेज दिया। ये देखिए मैं आपको रिजेक्शन लेटर दिखाती हूँ, मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया 18 अप्रैल 2013 में इंटरव्यू था मेरा, और मेरे पास भी सभी डॉक्यूमेंट्स थे, बट मेरा तो रिजेक्शन लेटर घर भेज दिया। और ये जो जम्मू से जेबीटी सेम मेरी जो DMC पे डेट है मेरी भी वही है 8 जनवरी 2013, ये देखिए। और मैंने RTI से पता लगाया है ऐसे कैंडिडेट जो जम्मू से जेबीटी पास हैं और उनकी भी यही कट ऑफ डेट है, ये देखिए RTI से हमें पता चला है, आज ये जॉब कर रहे हैं और मुझे जो है रिजेक्ट करके मेरा फॉर्म जो है मुझे कैंसिल कर दिया गया और इन आज तक ये हटे नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि ये जो जम्मू से जेबीटी लगे हुए हैं इनको हटाया जाए, ये सारी भर्ती मैं तो यही कहूंगी कि ये सारी भर्ती ही गलत हुई है, गलत तरीके से हुई है। कहीं ना कहीं भाई ये कैसे लग गए, जरूर कहीं ना कहीं ब्राइबिंग चली है, रिश्वत ली होगी जरूर, ऐसा तो नहीं मान सकती। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, हमें कैसे कैंसिल कर दिया। तो इन पे एक्शन ले सरकार, मैं यही कहना चाहूंगी इन पे एक्शन लिया जाए, इनको भी हटाया जाए या फिर मुझ जैसे कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया जाए।